खड़गे जी, अरे चुप बैठो खड़गे जी, प्रहलाद जोशी जी तो आपके प्रांत के हैं, उनकी बात को मानिए। क्या देखिए, इज एक्सपेक्टेशन इज यू एक्ट लाइक अ स्टेट्समैन, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। अरे मैं देखा हूँ यहाँ पर दिल्ली में क्या करते हैं, वहाँ कर्नाटक के गली में आके क्या करते हैं मुझे मालूम वो सब मालूम है मुझे। मैं ये मेरे जबान से ये बात नहीं है, नहीं मेरी जबान से ये बात नहीं है, खड़गे जी प्राइम मिनिस्टर खड़गे जी नहीं अपने भाषण में कहे। नहीं, आज दो विचित्र बात हुई आपने, एक सेकंड जरा प्लीज, आपने कहा इस सदन में और मैंने आपको कहा, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कम वक्तव्य दिए हैं, ये आपने कहा, और आपने कहा कि फॉर्मल दिए हैं प्रेसिडेंट एड्रेस पर अदरवाइज, अब आज ज्यादा दे दिए तो भी आपको आपत्ति होगी, जयराम ही डजंट नीड योर सपोर्ट, ही लीडर ऑफ द अपोजिशन, डोंट डाउन साइज द लीडर ऑफ अपोजिशन, गो एट सर, नो वन विल स्पीक। सर मैं ये मेरे जबान से नहीं आया मैं लिख लिया हूँ, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे किस किस पॉइंट पे बोल रहे थे वो इस कागज पे लिख के बोल रहा हूँ। अगर ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में या फेडरलिज्म के बारे में अगर वो बात नहीं किए, अगर वो कहे तो मैं विड्रॉ कर लेता। देखो अरे मजबूत करने, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ आप मजबूत करने की बात किए लेकिन एक एक गवर्नमेंट को ऐसा गिरा दिए, हर गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिरा दिए, कर्नाटक गवर्नमेंट को गिरा दिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को गिरा दिए, मणिपुर गवर्नमेंट को गिरा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, आदरणीय प्रधान, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बड़े उदारता के साथ कहे कि आज जिस प्रकार के हमने शुरुआत कर रहे हैं एक स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कॉम्पिटेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कहा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सर, 2014 में मई महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लिए, तब 14th फाइनेंस कमीशन के निर्णय उनके सामने आया। 14 फाइनेंस कमीशन बनी थी पिछले सरकारों में सर, 10% की क्वांटम जंप उन्होंने देखा नहीं, किस राज्य ने उनको वोट दिया या किसी ने नहीं दिया, नहीं देखा सर। हमें ये क्या कहते हैं, वर्षों तक इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दिल्ली में शासन किया, कैसे राज्यों को शासन कर रहे थे। मैं सर आसाम का उदाहरण देना चाहूंगा सर, कैसे शासन कर रहे थे। यह तो सर ये क्या है, ओनली लीडर ऑफ द अपोजिशन नाउ, ओनली लीडर ऑफ द अपोजिशन टेक योर सीट, टेक योर सीट। सर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं जब बात करता हूँ अगर वो गलत है तो बाद में उठ के बात कर सकते हैं। वो हमें यहाँ पर कंपटीशन चलती है, कंपटीशन इस बात की चलती है। आपसे मुद्दे पर आइए, नहीं नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो ये कंपटीशन बढ़ता है, मैं सपोर्ट करूंगा, तुम सब जरा होशियार रहिए साहब, कौन आपके पीछे सपोर्ट करते है कौन आपके सामने बात करते है इसका थोड़ा आप ख्याल कर लीजिए। ऐसा है खड़गे जी, सर ये खड़गे जी है, विषय पर रहिए वरना बात दूर तक जाएगी, इतनी दूर तक जाएगी कि वापस नहीं आएगी। कौन नेता आता है, कितना प्रभावित होता है, सदस्यगण कितना बोलते हैं, ये सबको पता है। तो प्लीज ऑन द सब्जेक्ट सर,